नमस्कार, मैं निखिल जैन शास्त्री, आपका संस्कृत शिक्षक परोक्ष रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है आपने प्रथमः पाठः सुभाषितानि के प्रथम श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, साथ ही साथ इसे याद भी किया होगा। आज हम द्वितीय श्लोक के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द को सुनते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब एक बार में पूरे श्लोक को सुनते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है, तपते तपता है, रवि सूर्य, वाति अर्थात बहती है, वायु हवा, च और, सर्वम सब, सत्ये सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है अर्थात स्थित है। अब सबसे पहले सामान्य रूप से इसका अर्थ सुनते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। और चा, चा मतलब होता है और। सत्येन वाति वायुः, हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है अर्थात सत्य के कारण ही सभी का अस्तित्व है। ये तो हुआ सामान्य से अर्थ। अब इसका भाव क्या है श्लोक में, हम वह जानते हैं। यह श्लोक में प्रकृति से संबंधित कुछ तत्वों की चर्चा की है, जैसे पृथ्वी हुई, सूर्य हुआ, हवा हुई। यह सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, यह उनका परम सत्य है। यहाँ पर सत्य को शब्दों के रूप में नहीं कहा, बल्कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सत्य है। जैसे सूर्य, सूर्य निरंतर बिना आलस्य किए तपता है और सभी के लिए प्रकाश देता है। पृथ्वी भी सभी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। और हवा भी सत्य के द्वारा अर्थात हवा बह रही है, तो यह हवा के लिए उसका सत्य है। हवा का बहना ही हवा का परम सत्य है। अब जैसे विद्यार्थियों के बारे में समझें, तो विद्यार्थी का अध्ययन करना ही उसके लिए परम सत्य है। सेना का देश की रक्षा करना उसके लिए परम सत्य है। अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, तो हम सभी का सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए घर में रहना ही परम सत्य है। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारे लिए जो भी हमारा परम कर्तव्य है वही सत्य कहलाता है। यदि हम सत्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं हो पाएगा और हमारे आसपास के माहौल, वातावरण अथवा प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए सत्य को मात्र शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि अपने परम कर्तव्य के रूप में भी
समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी आज के इस श्लोक को एक बार बहुत अच्छे से पुनः सुनकर इसे याद भी अवश्य करेंगे। धन्यवाद।